हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नितिश बांका। आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल लेग स्पीक लीगल में। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो प्रस्तुत करने वाला हूं। आज मैं आपको ये बताने वाला हूं कि कुछ क्लाइंट्स मेरे डोमेस्टिक वायलेंस केस के लिए मुझे विज़िट करने आए थे और उन्होंने मेरे से ये पूछा कि वकील साहब, आप ये बताइए कि क्या जो है हमें कोर्ट अपने ही घर से बाहर कर देगा? क्या वाइफ ने जो है रेजिडेंस राइट्स मांगे है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कोर्ट कई क्या ऑर्डर कर सकता है हमें अपने ही घर से बाहर और वाइफ को हमारे घर में रहने की इजाज़त देगा? क्या ऐसा हो सकता है? तो ये क्वेश्चन जो था वो काफ़ी डरे भी हुए थे और ये उनके माइंड में क्वेश्चन था। तो अब देखिए, मैंने इस पर काफ़ी रिसर्च की और विद जजमेंट्स मैंने उनकी हेल्प करने की कोशिश की। देखिए, अगर कोई भी लॉयर अगर जजमेंट के साथ अपने क्लाइंट की हेल्प करने की कोशिश करता है तो उसकी एडवाइस पे ज़्यादा विश्वास होता है, रादर कि मैं सिर्फ यही बोल दूँ कि ऐसा कुछ नहीं होगा। तो मैंने जजमेंट्स के साथ जो है उनको पूरा समझाया और यही वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूँ कि क्या होगा अगर वाइफ जो है अपना रेजिडेंस राइट्स मांग रही है और कोर्ट जो है वो क्या इन लॉज को बाहर करके वाइफ को अंदर कर देगा? क्या ऐसा होगा, क्या नहीं होगा, इस वीडियो में आप पूरा देखिएगा। यही मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या कोर्ट बाहर कर सकता है इन लॉज को अपने ही घर से और वाइफ की एंट्री कर सकता है उन्हीं के घर में, क्या ऐसा पॉसिबल है? देखिए, क्या है कि इसमें दो सिनेरियोज हैं। पहला सिनेरियो मैं डिस्कस कर देता हूँ। यदि जो प्रॉपर्टी है वो इन लॉज की ही है, यानी माता पिता की ही प्रॉपर्टी है, सबसे पहले तो अगर माता पिता की ही प्रॉपर्टी है तो कोर्ट जो है ये कहेगा हस्बैंड को कि पत्नी को अल्टरनेट अकोमोडेशन का रेंट दिया जाए, तो ये जो है कोर्ट कर सकता है। दूसरी चीज़ है कि या तो हस्बैंड छोड़ के चला गया है और इन लॉज के साथ रह रही है वाइफ, सिर्फ उसी सिनेरियो में वाइफ को एंट्री दे दी जाएगी। और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है जिसमें इन लॉज को अपने ही प्रॉपर्टी से बाहर कर दिया जाए, तो उस चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अगर हस्बैंड बिल्कुल अबैंडन कर जाता है या फिर उसकी डेथ हो जाती है, उस केस में ही वाइफ को इन लॉज के घर में रहने की इजाज़त दी जाती है। बट कोर्ट एक ये भी है, कोर्ट आपसे ये भी पूछेगा कि आप अल्टरनेट रेंट अगर वाइफ को दे सकते हो तो अल्टरनेट रेंटल ज़्यादातर मामलों में होता है कि मेंटेनेंस के साथ एक रेंटल जो है वो आपको दे दिया जाएगा और उसके बाद जो है आप जो है इसमें डोमेस्टिक वायलेंस केस में अलग से प्रॉपर्टी वाइफ को नहीं देते, अल्टरनेट रेंट ज़्यादा से ज़्यादा केसेस में होता है, तो इसमें बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल, मैंने इसकी जो रिसर्च है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आर्टिकल लिखा हुआ है, वो आप जाके चेक कर सकते हैं और ये पूरी की पूरी रिसर्च मैं आपको आपके ईमेल पे दूंगा, तो जाके चेक कीजिए, अपना ईमेल आईडी प्रोवाइड कीजिए और सारी की सारी जजमेंट्स ले लीजिए। बहरहाल, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपका कोई ऐसा डाउट है तो मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊँगा। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।